Hello friends, my name is Vinay Kumar Pandey and I am the faculty of General Studies in BSc Jamshedpur. दोस्तों मैं आज आपके सामने एक इंडियन पॉलिटी का लेक्चर लेकर के आया हूँ. मैं कोशिश करूँगा कि हर एक दो दिन में आपके सामने अलग अलग जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट पर कुछ वीडियोस लेकर के आऊँ. ये जो वीडियोस हैं इनमें आपका करंट अफेयर्स भी शामिल होगा. देखिए जब मैं करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ तो ये आज के समय में किसी भी एग्ज़ाम्स में आप देख लें, चाहे आप रेलवे के एग्ज़ाम की बात करें, बैंकिंग की बात करें, SSC, IAS, PCS, स्टेट PCS, किसी भी एग्ज़ाम में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है. तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने वीकली करेंट अफेयर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर सकूँ. और इसके अलावा जो अदर आपके जनरल स्टडीज़ के पार्ट हैं, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी का, तो जैसे आज भी एक शूट है आपके सामने, तो इन सब वीडियोज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा. देखिए क्या होता है कि अब बहुत लेंदी वीडियो, बहुत लंबी वीडियो, अगर वो आप देखते हैं बहुत देर तक, हो सकता है आप उसको सही से एनालिसिस कर पाए ना कर पाए. तो छोटे 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 वीडियोस के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि आपके ज़्यादा एग्जामिनेशन पार्ट्स, खास करके वो पार्ट्स जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं या सर्टेन कुछ पार्ट्स होते हैं जो हर एक एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं, मैं उन वीडियोज़ को पहले कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि अपकमिंग एग्ज़ाम्स में भी आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सके. आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले वीडियो से. दैट इज़ अबाउट द इंडियन पॉलिटी, भारत का राजनीति शास्त्र. और जब हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो आपका पूरा जो सिलेबस है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ही आसपास घूमता है. जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तीन पार्ट में बटा हुआ है. डेवलपमेंट फेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का डेवलपमेंट कैसे हुआ. देन मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब हमारे देश को आज़ादी मिली और हमारे सामने ये चैलेंज खड़ा था कि अब हमारा जो देश का देश को हमारे चलाने के लिए जो चैलेंजेस है, जो हमारा देश जो आगे अब किस तरह का उसके सामने डायरेक्शन हो, कैसे उसको चलाया जाए, उसके लिए एक संविधान की ज़रूरत थी जो बनाया गया. एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो हमारा संविधान कैसा दिखता है या हमारे संविधान में क्या चीज़ें हैं. तो हमारा जो संविधान है, हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ. तो देखिए जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो इसमें तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की गई हैं. पहला प्रीएम्बल, दैट इज़ प्रस्तावना. सेकेंड शेड्यूल, दैट इज अनुसूचियाँ. एंड द थर्ड वन इज पार्ट्स, दैट इज भाग. और इन्हीं पार्ट्स में आपको जानने को मिलते हैं आर्टिकल्स, जो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि इतने आर्टिकल्स हैं कैसे इसको कवर किया जाए. तो आगे की वीडियोज़ में आप इस चीज़ को भी देखेंगे कि हम आर्टिकल्स को कैसे देखें कि आप उसको आसानी से याद भी कर पाएँ और आपके लिए एक तरह से कि मैं कोशिश करूंगा कि आप उस चीज़ को भूलें ना, इस तरह से वो वीडियोस मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा. आज आपका जो पहला वीडियो है दैट इज़ अबाउट द शेड्यूल, अनुसूचियों के बारे में. बात करते हैं अनुसूची की. तो देखिए जब हमारा संविधान बना था तो इसमें कुल 8 अनुसूचियाँ थी. हमारा संविधान बन के कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को. और इसको पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 से. तो जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था इसमें टोटल 8 अनुसूचियाँ थीं, जिसमें करेंट अगर आप देखेंगे तो इस अनुसूचियों की संख्या, इन शेड्यूल्स की संख्या टोटल 12 है. दैट इज़ द 12 शेड्यूल इन आर कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो 4 शेड्यूल हैं वो टाइम टू टाइम हमारे संविधान में जोड़े गए. अब आइए हम हर एक शेड्यूल के बारे में देखते हैं. पहला शेड्यूल जो है वो बताता है अबाउट द टेरिटरीज ऑफ द इंडिया, भारत का क्षेत्र. एंड ऑल्सो द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, हमारे स्टेट की संख्या कितनी है, हमारे यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, उनका एक्सटेंट कितना है, वो कितने उनकी टेरिटरीज़ की कुल उनकी एरिया क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपका जो सारा जो वर्णन किया गया है ये किया गया है आपके फर्स्ट शेड्यूल में. अब देखिए आपके
जहन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर शेड्यूल बनाया क्यों गया, जब पार्ट्स है उसमें आर्टिकल्स दिए हुए हैं, तो ये सारी बातें वहाँ भी की जा सकती थी। तो शेड्यूल का ज़रूरत हमें इसलिए पड़ता है क्योंकि जहाँ पर कोई ऐसी, ये जो शेड्यूल में जो भी बातें की गई हैं ये बहुत लेंदी बातें हैं और इन सब चीज़ों के बारे में एक डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन बताया गया है। तो पूरा उसका आपके राज्यों का पूरा लिस्ट, कौन कौन से राज्य हैं, उनका कितना क्षेत्रफल है, कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनकी क्या एक्सटेंट हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में एक अलग से आपका पार्ट्स के अंदर एक अलग से आपका जो एक आप कह सकते हैं कि एक अलग उसके लिए एक अलग आपका, अगर नोटबुक की बात करें या बुक्स की बात करें तो उसके लिए एक अलग पेज जोड़ दिया गया है उसमें, और वही हमारा पार्ट है आपके शेड्यूल का, जो हम जिसे हम शेड्यूल कहते हैं। इसमें अलग अलग आर्टिकल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। पार्ट जब सॉरी शेड्यूल टू की जब बात करेंगे तो शेड्यूल टू आपका संबंधित है अलाउंसेस, एम्यूलमेंट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ सम सर्टेन पर्सन लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, देन चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके अलावा आपके जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड CAG दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में इनकी क्या क्या इनकी प्रिविलेजेज हैं, प्रिविलेजेज यानी कि इनमें इनको किस तरह की छूट दी गई हैं, क्या क्या चीज़ें इनको प्रदान की गई हैं, इनकी पेमेंट क्या होती हैं, अलाउंसेस किस तरह के इनको वेतन भत्ते दिए जाते हैं, किस तरह के एम्यूलमेंट्स होती हैं यानी कि फीस वगैरह जो है इनको वो क्या मिलती है, किस काम के लिए कितनी दी जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल जो बात की गई है ये किया गया आपके दूसरे शेड्यूल में। देन हम बात करते हैं थर्ड शेड्यूल, तीसरा शेड्यूल। ये जो आपका तीसरा शेड्यूल है ये रिलेटेड है ओथ एंड ओथ कहिए या अफर्मेशन कहिए यानी कि शपथ ग्रहण से संबंधित है। इसमें भी आपके कुछ सर्टेन पर्सन को इन्वॉल्व किया गया है, जैसे कि आपके लोकसभा और राज्यसभा के जो MP होते हैं यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसके अलावा आपके जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ऐसे जो लोग हैं जो आपके इन सब लोगों का जो आपका ओथ एंड अफर्मेशन है उसके बारे में जो हम बात करते हैं तो ये हमारा किया गया है इन द थर्ड शेड्यूल। लेट्स कम टू द फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल हमारा बताता है अबाउट द एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा इन डिफरेंट स्टेट, भारत के अलग अलग राज्यों में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किस तरह से किया जाए, इसके बारे में बात किया गया है इन द फोर्थ शेड्यूल। पांचवी अनुसूची, फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल हमारा संबंधित है अबाउट द ST/SC एरियाज। हमारे देश में कुछ ऐसे चिन्हित शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट रीजन हैं जिसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ सर्टेन राइट्स दिए गए हैं हमारे केंद्र सरकार को, तो इन एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो, इन एरियाज में काम कैसे चले, इसके बारे में जो बात की गई है ये की गई है आपकी पांचवी अनुसूची में। फिर छठी अनुसूची हमारी क्या है, सिक्स्थ शेड्यूल। हमारा जो सिक्स्थ शेड्यूल है दैट इज सिक्स्थ शेड्यूल इज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स रीजन। यहाँ देखिए पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची इन दोनों में कुछ बेसिक फर्क है। शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट एरियाज ऑफ द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसमें सिर्फ चार राज्यों को छोड़ दिया जाता है। ये चार राज्यों के नाम हैं असम दैट इज नाउ असोम एंड मेघालय त्रिपुरा एंड मणिपुर। तो ये कुछ हमारे राज्य हैं, चार राज्य हैं जिनके आपके जिनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की गई है। ऐसे इलाके के आपके माफ़ कीजिएगा दैट इज़ अबाउट द मिजोरम सॉरी। तो हमारे देश के इन
चार राज्यों के जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स वाले रीजन हैं, इन चारों राज्यों के शेड्यूल ट्राइब्स वाले रीजन के बारे में जो इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की गई है, ये आपका संबंधित है सिक्स शेड्यूल से, यानी कि सिक्स शेड्यूल में इन चार राज्यों के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित बातें की गई हैं, दैट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। देन लेट्स कम टू द सेवेंथ शेड्यूल। सेवेंथ शेड्यूल जो है हमारा, हमारा जो सेवेंथ शेड्यूल है, इट इज़ अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग सेंटर एंड स्टेट। देखिए, केंद्र सरकार भी टैक्स लेती है, आपको ये चीज़ पता होगा, राज्य सरकार भी टैक्स लेती है, ये आपको पता इसलिए भी होगा क्योंकि आप अक्सर सुनते रहते हैं कि पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो कैसे अप्स एंड डाउन्स होती हैं, और कभी कभी केंद्र सरकार जो है वो राज्यों पे ब्लेम कर देती है कि राज्यों को अपना वैट जो है वो कम करना चाहिए। उसी तरह से कभी कभी राज्य जो है वो केंद्र सरकार की तरफ कहते हैं कि हमारे पास तो ऑलरेडी कम रिसोर्सेज हैं, आप देखिए इस चीज़ों को। और आप जानते हैं अभी पेट्रोल जो है वो GST से बाहर रखे गए हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो ऐसे कुछ कुछ सर्टेन काम है, जैसे आप फाइनेंशियल रिलेशन को देखिए, आप उनके बीच का लेजिस्लेटिव रिलेशन को देखिए, यानी कि किन चीज़ों पे कानून सेंटर बना सकता है, किन चीज़ों पे कानून राज्य बना सकता है, इसके बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे जब हम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि इनके बीच इन्हीं तरह का, चाहे वो फाइनेंशियल रिलेशन हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रिलेशन हो, चाहे वो आपका रिलेशन आपका लेजिस्लेचर से लेकर के हो, तो इसके बारे में जो पावर की जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है अमंग सेंटर एंड स्टेट, ये किया गया है आपके सेवेंथ शेड्यूल में। तो देखिए, इसमें दो लिस्ट तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब सेंटर और स्टेट के बीच जब बात की गई है तो लिस्ट बनाई गई होगी, तो एक लिस्ट जो है वो सेंटर लिस्ट की है, दूसरा है अबाउट द स्टेट लिस्ट। लेकिन हमारे जो संविधान को बनाने वाले थे वो इस बात को समझते थे कि कहीं प्रॉब्लम कुछ ऐसा ना क्रिएट हो, इन्होंने तीसरी भी एक लिस्ट बनाई है और कहा कि इस लिस्ट को उन्होंने नाम दिया दैट इज कंकरेंट लिस्ट। तो ये तीन लिस्ट के माध्यम से इन पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, सेंट्रल लिस्ट जिसपे कानून सेंटर बनाती है, स्टेट लिस्ट जिसपे कानून स्टेट बनाती है, कंकरेंट लिस्ट जिसपे कानून दोनों ही बना सकते हैं। इसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो हम आगे देखेंगे। सेंट्रल लिस्ट में जब ये बना था, जब हमारा संविधान जब इम्प्लीमेंट हुआ था, तो टोटल इसमें 97 सब्जेक्ट्स थे। देन स्टेट लिस्ट में हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी संख्या थी उस टाइम 66, और कंकरेंट लिस्ट में टोटल सब्जेक्ट्स थे हमारे 47। बट अभी इसमें चेंज है, आज के समय में इसमें टोटल 100 सब्जेक्ट हैं। इसमें स्टेट लिस्ट में आपके टोटल 61 सब्जेक्ट हैं और कंकरेंट लिस्ट में आपके टोटल 52 सब्जेक्ट हैं। तो देखिए, ये आपका अभी का जो करेंट लिस्ट है, यहाँ पे स्टेट लिस्ट के 5 सब्जेक्ट आपके घटे हैं और कंकरेंट लिस्ट में वही 5 सब्जेक्ट आपके ऐड हुए हैं, तो दैट इज द 3 लिस्ट। ठीक है, कभी कभी आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कंकरेंट लिस्ट जो है वो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो ये भी हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखने की मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे कि जब संविधान हमारा बना तो क्या क्या चीज़ें हमारे संविधान की, कुछ अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं वो किस किस कंट्री से अडॉप्ट की गई थी। लेकिन अभी इसको बता देता हूँ आपको, दैट इज़ कंकरेंट लिस्ट जो है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, और हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, उसमें भी इस चीज़ का प्रोविज़न किया गया था। ठीक है, तो ये हमारे 3 लिस्ट हैं, अबाउट द सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। आई होप ये आपका सेवेंथ शेड्यूल जो है वो क्लियर होगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट शेड्यूल की, दैट इज एट्थ शेड्यूल, आठवीं अनुसूची। हमारी जो आठवीं अनुसूची है ये आपका संबंधित है अबाउट द लैंग्वेज, यानी कि भाषाओं से संबंधित है। जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो जब हमारा संविधान बना था तो इस एट्थ शेड्यूल में आपके जो लैंग्वेज जोड़े गए थे
ये इनकी संख्या 14 थी, बट अभी इनमें भी चेंज है, ये आपके टोटल लैंग्वेज की संख्या है 22 टोटल। अभी हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं को रखा गया है। ये आपके क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, जिनमें अब देखिए एक बहुत अच्छा आपके सामने ये एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे IAS का जो एग्ज़ाम लिखा जाता है, तो उस एग्ज़ाम में आप इन किसी भी भाषाओं में अपने पेपर को लिख सकते हैं, आपको राइटिंग का अधिकार होता है, सिवाय अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश या हिंदी के अलावे आप इन सब में से किसी लैंग्वेज को जानते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो ये जो 14 थे उसके बाद अभी ये हो गए 22, यानी कि आपके जो टोटल भाषा है वो इसमें कितने जोड़े गए हैं, आपके 8 लैंग्वेज जो हैं वो आपके जोड़े गए हैं टाइम टू टाइम। तो देखिए इसको 3 अमेंडमेंट के थ्रू ये 8 लैंग्वेज आपके जोड़े गए हैं। पहला जो इसमें अमेंडमेंट हुआ था 21st CA, सी ए कह रहा हूँ, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आप सी ए से समझ जाइएगा उसको। इसमें जोड़ा गया था सिंधी लैंग्वेज को, कब जोड़ा गया था, इन 1967 में सिंधी लैंग्वेज जो थी वो ऐड की गई थी। देन 71st CA, इसमें आपके 3 लैंग्वेज को जोड़ा गया, दैट वॉज कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, कोंकणी मणिपुरी एंड नेपाली, इन 3 लैंग्वेज को इसमें जोड़ा गया। ये आपका 1992 में चेंज किया गया था, एंड देन 92nd CA, ये हुआ आपका, इसमें 4 लैंग्वेज को भारत के संविधान में जोड़ा गया है। इन 4 लैंग्वेज का नाम है बोडो, ये असम का लैंग्वेज है आपका, बोडो, डोगरी, ये J&K में बोला जाता है, देन मैथिली। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी का नेपाल का दौरा हुआ है और मैथिली वर्ड जो है उस टाइम बार बार यूज किया गया है, आप जानते ही होंगे मैथिली जो है वो प्रदेश सीता जी से भी रिलेटेड है। तो अगला जो है दैट इज़ अबाउट योर संथाली, ये आपके झारखंड का लैंग्वेज है। अभी JPSC के एग्ज़ाम में जो लास्ट आपके JPSC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन भी था कि सबसे लास्ट जो लैंग्वेज जोड़ा गया है वो कौन सा है, तो दैट इज़ संथाली, और ये आपके चेंज किए गए थे 2003 में, ठीक है। तो देखिए ये टोटल 8 लैंग्वेज है जो इन 14 लैंग्वेज के बाद इसमें टाइम टू टाइम जोड़े गए हैं। ये है हमारी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है हमारे 8th शेड्यूल के अंदर। अब यहाँ तक तो हमारा संविधान जो है वो जब हमारे संविधान के निर्माताओं ने उसको बनाया था तो इतनी आपके शेड्यूल पहले से ही उसमें मौजूद थी, मतलब बनने के बाद 8 शेड्यूल हमारी थी संविधान के बनने के समय। अब जो है हमारे संविधान में 4 वैसे शेड्यूल के बारे में हम पढ़ेंगे जो टाइम टू टाइम जोड़ी गई है, आइए देखते हैं। अगला जो है आपका दैट इज़ 9th शेड्यूल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक शेड्यूल है जो जोड़ा गया, और ये हमारे इंडियन हिस्ट्री का या यूँ कहिए कि हमारे देश के आज़ादी के बाद का एक बहुत सुनहरा अध्याय था हमारी हमारे देश के लिए। क्यों? क्योंकि आपको याद होंगे लॉर्ड कॉर्नवॉलिस, आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनके बारे में पढ़ने को आपको मिलता है, ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो लॉर्ड कॉर्नवॉलिस ने बंगाल में एक व्यवस्था लागू की थी जिसे कहा जाता है परमानेंट सेटलमेंट, इसको हिंदी में हम जमींदारी प्रथा भी कहते थे, ये बंदोबस्त सिस्टम था। इस चीज़ को 9th शेड्यूल के तहत हटाया गया, यानी कि इसमें आपके देश के लैंड रिफॉर्म शामिल थे, इसमें बड़े बड़े जमींदारों से ज़मीन लेकर के छोटे छोटे किसानों में बांटा गया, और ये आपका अमेंडमेंट हुआ था
फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, भारत का पहला संवैधानिक संशोधन 1951 में, उसके तहत ये आपकी लैंड रिफॉर्म जोड़ा, लैंड रिफॉर्म लाया गया इसके तहत। और इसमें क्या कोशिश की गई थी, जमींदारी प्रथा को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, परमानेंट सेटलमेंट को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। परमानेंट सेटलमेंट को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। ओके, तो जब ये जोड़ा गया था उस समय इसमें टोटल 13 सब्जेक्ट थे। अभी के समय में इनकी सब्जेक्ट जो हैं दैट इज़ 282। एक चीज़ और बता दूं कि जब ये लाया गया था तो ये डायरेक्टली ये आपका जो नाइन्थ शेड्यूल था वो आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अटैक करता था। कैसे, आपको याद होगा राइट टू प्रॉपर्टी, जो अब हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स का स्टेटस नहीं रखता है, लेकिन इस समय वो एक फंडामेंटल राइट्स था। इस चीज़ से बचने के लिए कि लोग इसको जा करके अदालत में ये केस नहीं कर दें कि हमारे संपत्ति के अधिकार को, हमारे एक फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है, तो इससे बचने के लिए इसको ज्यूडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया था। यानी कि सरकार के बनाए हुए इस शेड्यूल में डाले गए नियमों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी तरह का न्याय नहीं दे सकती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में ये साफ किया कि जी नहीं, आप वैसे सब्जेक्ट जो आपने 24 अप्रैल 1973 के बाद इसमें जोड़े हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू का अधिकार आप नहीं छीन सकते हैं। और ये चीज़ आप जान लीजिए कि इसमें 24 अप्रैल 1973 से पहले के जो भी सब्जेक्ट हैं वो जुडिशियल रिव्यू में नहीं आते हैं, लेकिन उसके बाद के जो भी सब्जेक्ट हैं वो जुडिशियल रिव्यू में आते हैं। 24 अप्रैल 1973 एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे है हमारे इंडियन हिस्ट्री का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी पार्ट का, क्योंकि उसी दिन केशवानंद भारती केस का फैसला आया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना कुछ डिसीजन सुनाया था। वो हम जब कुछ सर्टेन केसेस के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक नया आकार दिया, एक नया शेप दिया, उसमें बात करेंगे। आइए आगे देखते हैं। देन अबाउट द 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? देखिए, जब पहले होता क्या था कि बहुत बार लोग जो हैं किसी, मान लीजिए कि वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और उस पार्टी से जीत करके वो MP या MLA बन करके वो सदन तक पहुंचते थे। फिर जब वो देखते थे कि सामने वाली पार्टी के पास सही नंबर्स नहीं हैं, और अगर वो सामने वाली पार्टी उनको कुछ लालच देती थी किसी भी तरह का कि आपको मिनिस्टर बना दिया जाएगा, आपको ये सारी प्रिविलेजेस दिया जाएंगी, तो वो लालच में आकर के अपने पार्टी को बदल लिया करते थे। इसीलिए ये कानून एक लाया गया और एक 10वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई, जिसे नाम दिया गया एंटी डेफिकेशन लॉ, दल बदल निरोधक कानून। आप नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, दल बदल निरोधक कानून, एंटी डेफिकेशन लॉ। ये क्यों लाया गया था? ताकि जो आपके पार्लियामेंट्स के जो मेंबर हैं, जो आपके विधानसभा, विधान परिषद के जो विधानसभा या अलग जो लेजिस्लेचर वगैरह के जो मेंबर हैं, वो एक पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में ना शामिल हो जाएं। तो ये जो है हमारे एक इलेक्शन रिफॉर्म का ही भाग है, एक हमारा, आप कह सकते हैं कि एक चुनावी रिफॉर्म का ही भाग है। आज के समय में आप देखते होंगे कि इलेक्शन रिफॉर्म की भी बातें बहुत ज़ोर शोर से उठाई जाती हैं, बहुत ज़ोर शोर से चलाई जाती हैं। तो आपको, आप इन सब चीज़ों पे अपना व्यू भी बनाया कीजिए, आपको आगे कहीं वो इंटरव्यू वगैरह में बहुत फ़ायदा देगा। तो ये हमारा था 10th शेड्यूल। हाँ, एक चीज़ और कि ये जोड़ा कब गया, तो ये जोड़ा गया था आपका
52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, 52वें संवैधानिक संशोधन के तहत इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया, ये हमारे संविधान का पार्ट बना और इस समय से ये जोड़ा गया था आपके ईयर 1985 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज द 11th शेड्यूल, 11वीं अनुसूची, 11th शेड्यूल, और यहीं पे हम लिख ही देते हैं आपका आखिरी भी 12th शेड्यूल। ये दोनों बहुत को रिलेटेड हैं एक दूसरे से। कैसे, देखिए 11th शेड्यूल में बात की गई है पंचायती राज की, पंचायती राज। जब हमारे देश का संविधान बना था तो पंचायत की व्यवस्था की गई थी, आप पार्ट्स देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि पंचायत की व्यवस्था थी, लेकिन राज्यों को जो ये इम्प्लीमेंट करने की जो बात की गई थी वो सही से इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहा था। तो इसकी वजह से क्या किया गया कि हमारे संविधान के अंदर एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, दैट वॉज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये अमेंडमेंट जो है वो पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि 11th शेड्यूल जो है वो किस में रिलेटेड है। हालांकि आपका पूरा ये जो शेड्यूल का पूरा आप वीडियो देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा शेड्यूल आपके 12 जो है वही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट इज इट केम इन 1992, ये आपका संबंधित है पंचायती राज के व्यवस्था से, ये आपके पंचायती राज की व्यवस्थाओं से संबंधित है। इसमें जब इसको बनाया गया था तो इसमें टोटल आपके जो सब्जेक्ट्स की संख्या है दैट इज 29, इसमें आपके 29 सब्जेक्ट्स हैं जो जोड़े गए हैं, 29 सब्जेक्ट इसमें जोड़े गए हैं। और उसके बाद बात करें तो इट इज़ अबाउट द नगर निकाय और द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये नगर निकायों से संबंधित है। तो 11th आपका संबंधित है पंचायती राज से, 29 सब्जेक्ट हैं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत जोड़ा गया, ये नगर निकाय या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से संबंधित है, और जोड़ा गया आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के ही तहत, दैट इज अबाउट द, इसमें आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी संख्या है 18, इसमें आपके टोटल 18 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये था हमारे टोटल 12 शेड्यूल के बारे में सारी जानकारी, और एग्जाम्स में ये शेड्यूल जो है वो आपको हर एक एग्जाम में शेड्यूल से एक दो क्वेश्चंस आते ही हैं। पॉलिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और बहुत शॉर्ट, बहुत छोटा पार्ट है जिसको आप बहुत आसानी से देख करके एक दो बार आप जब रिपीट करते हैं उस चीज़ को देखते हैं, थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं, तो आप बहुत आसानी से उसको याद रख सकते हैं। इसमें की जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच।